अभी आपने जो देखा वह हृदय विदारक दृश्य कहीं और का नहीं बल्कि लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 प्रखंड कार्यालय के बगल में स्थित उस घर की है, जिस घर के यह बालक यह नहीं जानता कि उसकी आशियाने में आग कैसे लगा, लेकिन इतना जरूर जानकर अपने पिता की गोद में रो रहा है कि आखिर उसकी आशियाना कैसे जली, सर्द भरी रात आखिर वह कैसे गुजारेगा। इस बाप बेटे की आंखों की आंसू देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। आपको बता दें कि प्रखंड कार्यालय के बगल में FCI गोदाम के पीछे दो झोपड़ी नुमा मकानों में आग लग गई, जिसमें फुदीना पासवान के पुत्र बली पासवान तथा कन्हाई सहनी के पुत्र सुरेश सहनी के घर जलकर राख हो गए। बताया गया कि सोमवार की देर शाम सुरेश सहनी अपने मवेशी को लेकर घर आ रहे थे, तभी देखे कि उनकी घर से आग की लपटें उठ रही है। वह मवेशी को छोड़ दौड़ते हुए घर की तरफ भागे, तब तक घर आधा से ज्यादा जल चुका था। आग की उठती लपटों को देख आसपास के लोग दौड़े और जैसे पाया वैसे आग को बुझाने में लग गए। कोई नलजल की पानी से बुझा रहा था तो कोई चापाकल चलाकर उसके पानी से आग बुझा रहा था, लेकिन मदद हर कोई आग बुझाने में कर रहा था, परंतु प्रखंड कार्यालय से मात्र 100 मीटर की दूरी पर लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक वाहन को आने में 2 घंटे का वक्त लगा। कारण बताया गया कि लालगंज प्रखंड में अग्निशामक वाहन नहीं है। आपको बता दें कि जून जुलाई तक लालगंज प्रखंड कार्यालय के पास स्थित नाका पर अग्निशामक वाहन हमेशा देखा जाता था, लेकिन विगत कई महीनों से अग्निशामक वाहन लालगंज प्रखंड कार्यालय से गायब है। बताया गया कि अग्निशामक वाहन कर्मी ट्रेनिंग में गए हुए हैं, लेकिन अग्निशामक वाहन कहाँ है इसकी पता किसी को नहीं है। शायद समय पर अग्निशामक वाहन आ जाता तो इस गरीब की आशियाना जलकर भी कुछ तो बच जाता। हालांकि आग लगने की सूचना उपरांत लालगंज थाना मौके पर पहुंची, लेकिन आग बुझाने के लिए अग्निशामक वाहन नहीं पहुंची, जिसके बाद लालगंज थाना को भी स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की तो बताया गया कि अग्निशामक वाहन एक वैशाली प्रखंड से तो दूसरा बड़ा वाहन हाजीपुर से आ रहा है, जो हमेशा की तरह आग लगने के 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिसके बाद अग्निशामक वाहन के कर्मी को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। हालांकि तब तक स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाए जा चुका था तथा बचे खुचे आग पर अग्निशामक वाहन के द्वारा पानी पटाकर काबू पाया गया। अग्निशामक वाहन पहुंचने के उपरांत अंचलाधिकारी पंकज कुमार भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही तथा तत्काल रात गुजारने के लिए तिरपाल देने का आदेश दिया। हालांकि आग लगने की सूचना उपरांत लालगंज नगर परिषद के सभापति कंचन साह, वार्ड पार्षद रंजीत सहनी, छोटू कुरैशी, सुजीत प्रताप यादव, पार्षद पुत्र अमन कुमार आदि मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं हर संभव मदद दिलाने की बातें कही तथा पीड़ित परिवार की ढांढस बंधाया। विडंबना की बात है कि लालगंज नगर परिषद तथा लालगंज प्रखंड, जहां हर वर्ष दर्जनों घरों में आग लग जाती है, वहां अग्निशामक वाहन न होना कहीं न कहीं प्रखंड प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जब हमने अंचलाधिकारी पंकज कुमार से अग्निशामक वाहन से संबंधित सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। सर, यहाँ प्रखंड कार्यालय के पीछे और अनाज गोदाम के पीछे आग लग गया है एक मकान में, और यहाँ के लोगों का आरोप है कि दमकल को फोन करने के बाद भी 2 घंटा तक दमकल नहीं आई है। जब आग स्वतः बुझ गई है, लोगों की मेहनत से बुता दिया गया, तब दमकल आई है। लालगंज में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो उनके जो स्टाफ हैं वो ट्रेनिंग में चले गए थे। हम लोग तुरंत जो है वैशाली से मंगवाए हैं, जिला को इन्फॉर्म करते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। तो सर, लालगंज में जो दमकल था वो कहाँ गया? उनका ट्रेनिंग चले गए। तो ट्रेनिंग में सर ड्राइवर गए होंगे, दमकल तो नहीं गया होगा? वो उसका हम जांच करवा लेते हैं, क्योंकि दमकल यहाँ देखा जाता था 1 महीना पहले तक, अब गायब है स्वतः, मतलब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सॉल्व कर दिया गया। अगर बाय द वे इस तरीके के और कोई मामला आता है सर, और कहीं आग लगता है, तो फिर कैसे दमकल आ पाएगा सर? जब तक लोग जल जाएंगे तब दमकल आएगा? इंतजाम हम लोग प्रखंड कार्यालय में दमकल दिया गया है सरकार की तरफ से। है प्रखंड में। सर, यहाँ कितने मकान में आग लगा है, कुछ है जानकारी? दो झोपड़ी में लगा। कितने का नुकसान होगा सर? अब आकलन किया जा रहा है उसका।
तो वहीं नगर सभापति कंचन शाह ने पूर्व के जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की कमी को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर लालगंज में एक बड़ा अग्निशामक वाहन लाने के लिए उच्च अधिकारियों से बातें करें और लालगंज प्रखंड एवं नगर क्षेत्र को एक अस्थायी अग्निशामक वाहन उपलब्ध करवाएं। आपको बता दें कि रविवार की देर रात्रि घटारो स्थित हाट में कई दुकानों में असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दिया गया था, उसे भी स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया गया था। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक आग की लपटों में लालगंज जलते रहेगा और अग्निशामक वाहन अन्य प्रखंड या जिले से मंगाए जाएंगे। तो देखिए क्या बता रहे हैं सभापति कंचन शाह एवं अन्य लोग। भी वार्ड संख्या 19 में आग लग गई है एक घर में और घर की सारी संपत्ति जल गई है, घर भी जल गया है। दमकल वाले को फोन किया गया था, 2 घंटे बाद दमकल पहुंचा है जब आग आधा से ज़्यादा बुझ चुका था। आधा से नहीं, पूरा कहिए। और लालगंज नगर परिषद कहिए या फिर लालगंज प्रखंड कार्यालय, कहीं भी दमकल की सुविधा नहीं है, जबकि इससे पूर्व एक दमकल देखा जाता था, वो भी अब गायब है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इस पर हम यही कहना चाहेंगे, जो लोग लालगंज नगर परिषद में ये पहले से कार्यरत थे उनके तरफ से ये कमी देखा गया है, लालगंज में एक दमकल का व्यवस्था होना चाहिए जो अभी तक है नहीं। और हम यही प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम सभी लोग लालगंज में एक दमकल का व्यवस्था किया जाए। यहाँ आग लगा है तो आप कहाँ से दमकल लेके आए हैं? वैशाली से लाए हैं। आपका इसमें घर था? घर मथान भी था क्या? कैसे आग लगा, कुछ है जन? नहीं, उधर से आ रहे थे तो आग लगा हुआ था। सर अभी यहाँ पे वार्ड संख्या 19 में आग लग गया है तो इसमें कितने लोग का घर जला है और कितना का नुकसान होगा लगभग? इसमें लगभग सर नुकसान का तो सही सही आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 आदमी का घर जला है और इन लोगों के कहने के अनुसार 1,00,000 रुपया का प्रत्येक व्यक्ति के नुकसान है। सुनने में आया कि दमकल अभी तक नहीं आया है, आग लगभग कितने पे है? हम आधा घंटा पहले फोन किए, उस आश्वासन मिला कि जा रहा है लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाया। लालगंज में दमकल है या नहीं ऐसा कुछ बताया गया? ब्लॉक में हम लोगों को मालूम था कि पहले था लेकिन आज तो है नहीं, इस पर हम लोग बार बार दे लेकिन थाना में नहीं है, सूचना मिला है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। क्या है? वार्ड पार्षद। क्या नंबर वार्ड? 19 नंबर। यहाँ पे आग लग गई है, आप सभी वार्ड पार्षद वगैरह आए हैं? हेलो। लगभग 2-3 घर जलने की सूचना है और लाखों रुपए की नुकसान का भी सूचना है, लेकिन लालगंज प्रशासन के द्वारा अभी तक दमकल का व्यवस्था नहीं किया गया है, तो कब तक आखिर लालगंज के लोग जलते रहेंगे और दमकल के लिए फोन पे ही फोन होते रहेंगे? देखिए, लालगंज मार्केट में एक बार फटाका से आग लगा था जिस समय करीब 200,00,000 का नुकसान लालगंज में हुआ था, उस समय से हम लालगंज में नगर परिषद में बैठक में इस तरह से लगातार हमने दमकल के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है। जिला में भी बैठक हुआ था कई एक बार जिला योजना समिति का, उसमें भी हम लोगों ने लगातार उठाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से इस पर कोई सही कदम नहीं उठाया गया है जिससे लालगंज के लोगों का कल्याण हो सके। हमारे विधायक जी और सांसद महोदय के इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है, लगातार ऑफिस के माध्यम से तो उनको जानकारी दिया ही गया है लेकिन अभी तक उन दोनों आदमी के द्वारा इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। क्या नाम है? सुजीत कुमार।